तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट, क्योंकि मेरे घर के बगल में हो रहा है पूजा और कभी भी म्यूजिक स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति यानी विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था, तो रोहिणी देवघर में है और रोहिणी में ही सबसे पहले 1857 की क्रांति हुआ था झारखंड में। दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर है, तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, किस कवित्री को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की। हाल ही में मदन नायक का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से क्षेत्रीय भाषा के गायक थे, तो मदन नायक क्या थे, गायक थे, और किस भाषा के थे, तो ये नागपुरी भाषा के थे। नेक्स्ट है, हाल ही में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया है, तो कोयल रिवर फ्रंट का उद्घाटन जो है पलामू जिला में हुआ है। निम्नलिखित में से किसे IIT का दर्जा प्रदान किया गया है, चलिए ऊपर करते हैं, ISM होना चाहिए इसका आंसर, तो देखिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है ISM, इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आए थे धनबाद, उस समय इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को IIT का दर्जा प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोको बोदरा जो है किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे, तो लोको बोदरा होगा, ये हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो इन्होंने ही हो जनजाति की लिपि का जो खोज किया था, आविष्कार किया था, लोको बोदरा। हाल ही में लोकार्पित पुस्तक राइड अबव द क्लाउड के लेखक कौन है, तो राइड अबव क्लाउड के लेखक है संजीव शेखर। हाल ही में किन्हें भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बनाया गया है, संयुक्त सचिव, ठीक है, महासंघ के संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है, तो शैलेंद्र पाठक को। 11 है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए भादो में, भाद्रपद बोलते हैं भादो महीना को, ठीक है, भादो और शुक्ल पक्ष भी है, तो ये मनाया जाता है कर्मा फेस्टिवल, ये मैंने याद कराया था आपको, भाई से रिलेटेड है इसलिए भादो। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में गुमला जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो करंट अफेयर में लाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है, खूंटी में हुआ है, तो इसका केंद्र भी खूंटी में था। कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा है, तो कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने संथाल विद्रोह को पहला जनक्रांति कहा है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में, और इसके नेता थे सिद्धो कानू चांद और भैरव। 1857 के विद्रोह के समय धनबाद के उपायुक्त कौन थे, तो धनबाद के उपायुक्त कौन थे, ओकस, कैप्टन ओकस। पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध है छऊ नृत्य से। छऊ नृत्य के जितने भी कलाकार हैं उनका नाम आप याद रखिए, केदारनाथ साहू जी जैसे, केदारनाथ साहू, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है छऊ नृत्य के लिए। हिजला मेला प्रारंभ कराने का श्रेय किसे जाता है, तो हिजला मेला जो कहाँ लगता है, दुमका में, मयूराक्षी नदी के किनारे, और इसे चालू कराने का श्रेय जाता है कास्टेयर्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जिसे तीन राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो एकमात्र जिला है गढ़वा, और गढ़वा जो है तीन राज्य की सीमा इससे स्पर्श करती है, कौन कौन सी, बिहार यूपी और छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है झारखंड का गढ़वा, और तीन राज्यों की सीमा से स्पर्श करने वाला जिला भी है ये। तो नेक्स्ट है, रांची स्थित कांकेर डैम किस पहाड़ी के निकट अवस्थित है, रांची स्थित कांकेर डैम जो है ये गोंदा पहाड़ी इसका आंसर है, गोंदा पहाड़ी के निकट स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकार्पित उराव पुरखा खीरी मो ड यानी उराव लोक कथा कोष के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेतरू उराव। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी है, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए झारखंड में जो एजेंसी है उसे जरेडा कहते हैं, झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जरेडा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार बुजुर्ग कलाकारों को प्रति माह कितने रुपए पेंशन देगी, ठीक है, किसे, बुजुर्ग और कलाकार, बुजुर्ग कलाकार होना चाहिए वो, तो उन्हें 1000 रुपये दिया जाएगा।
हाल ही में TRI ने किस आदिम जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है? तो कौन सी जनजाति है जिन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई है? तो इसका आंसर है दोनों, यानी बथुड़ी और चेरो। एक सेकंड, चेरो तो आदिम जनजाति नहीं है। इस पुस्तक में आंसर दिया हुआ है सी, इसका एक बार आप देख लीजिएगा। चेरो जो है आदिम जनजाति नहीं है। झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, ठीक है, 8 आदिम जनजाति है, जिसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 सातवां में हो जाएगा सबर और कोरवा। तो गाइस 24 का आंसर जो है, मैंने रिसर्च तो नहीं किया लेकिन मैं इसका आंसर जो बता दूंगी कभी। झारखंड के सिल्वानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो सिल्वानुस डुंगडुंग का मतलब बेसिकली क्वेश्चन पूछना जा रहा है कि सिल्वानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है, इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है? तो पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, सुनीता एक्का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? उराव, मुंडारी, सौरिया पहाड़िया, कुरुम्भाग। तो देखिए मुंडारी जो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर अवस्थित है? तो वैद्यनाथ है, तो ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार पूर्व खिलाड़ी को पेंशन के रूप में प्रति माह कितना रुपए दिया जाएगा? तो इसका आंसर जो 10,000 रुपये है। अरे मोम। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, कंघी कट यानी कॉम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो ये जो है संथाल जनजाति के, ये एक अनूठी परंपरा है। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? गठन 1949 में किया गया था। तो देखिए झारखंड पार्टी जो है आदिवासी महासभा ही था जिसका नाम कर दिया गया था झारखंड पार्टी। संथाली भाषा और साहित्य का एकीकृत लिपि कौन सी है? तो संथाली भाषा की लिपि है ओलचिक्की लिपि। इसके आविष्कारकर्ता कौन थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है, अरण्येर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है यह निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरण्येर अधिकार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है। महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है बंगाली भाषा में, और ये बिरसा मुंडा के विद्रोह से संबंधित है, मतलब उस पर आधारित है। ठीक है, 33 का आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी। 34 है, झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें किससे संबंधित है? तो जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, झारखंड के किन दो शहरों के बीच विस्टा डोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई है? तो ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा अलग है। झारखंड के किन दो शहरों के बीच विस्टा डोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर जगह रांची से गिरिडीह। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ बोलना था मुझे कि जैसे इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता, ठीक है, तो या तो मैं इस पर रिसर्च कर सकती हूँ या फिर जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसे देखकर मैं बता सकती हूँ। तो चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भी CDPO मेंस का एग्ज़ाम है, होने वाला है, ठीक है, और JPSC का मेंस दिया है मैंने, इसलिए इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, तो इस वजह से मुझे रिसर्च करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी इस बुक में बहुत सारे प्रश्नों के जो आंसर की जो है गलत दिए हुए हैं, और चूंकि एक्सप्लेनेशन भी नहीं है तो मेरी जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही करके आंसर आपको बता देती हूँ। लास्ट में मैं आंसर की भी दे देती हूँ ताकि आप मिला भी सकें अगर कुछ आपको डाउट लगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से गलत निकल जाता है, तो इसमें इसके लिए मैं क्षमा मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं मेरे पास कि पूरा मैं रिसर्च करके बताऊँ। जैसे ये प्रश्न है 35 नंबर, झारखंड के किन दो शहरों के बीच विस्टा डोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई है, तो मैं कितना भी एग्ज़ाम क्यों ना निकाल लूँ हर प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आप किताब में पढ़ते हैं तभी आता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आप सेट बनाते हैं तभी आपको आता है, तो इस तरह के प्रश्न सेट बनाने से ही आता है। अब जब इसमें गलत निकल जाता है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई गलत भी हो तो सुधार के मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो इस प्रकार के रहे तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, और आपको अगर आंसर बेहतर आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए, ठीक है, छोटी सी बस यही रिक्वेस्ट थी मेरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, तो 35 का आंसर मैंने बताया डी है, रांची से गिरिडीह। 36 है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2010 में। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी 15 नवंबर सन 2015 को। नेक्स्ट है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से जुड़े छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, तो ये सही है। इस योजना के पहले वर्ष में 27,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, बिल्कुल सही। कोचिंग संस्थान का 75, तो यहाँ अनुपात छूटा है, यानी 75:25 दिया होगा, शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।
नहीं तो ये तो पूरी तरीके से राज्य सरकार की है 100%, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट है, एक वर्ष तक हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सारे कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में हो भाषा के विकास के लिए किन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2023 में जामुन सिंह सोई को हो भाषा के विकास के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो रामदयाल मुंडा की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो इसलिए आंसर की भी आप बिल्कुल देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगता है तो गूगल सर्च कर सकते हैं आप, और मे बी अगर कुछ बाय मिस्टेक गलत रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ठीक है, अब कुछ लोगों ने कहा कि बगल में जो दिया होता है इन्फॉर्मेशन उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं धीरे धीरे कर देती हूँ, नीचे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए झारखंड के कला संस्कृति से जुड़ा हुआ तथ्य दिया हुआ है, आप मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। तो ये देखिए, ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, संथाल जनजाति के प्रमुख भोजन दाल भात व सब्जी है जिसे दाका उरू कहा जाता है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ बाई मिस्टेकली कुछ मिस्टेक रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना। तो गाइस वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।